ओम सबको सादर नमस्ते। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आप सबके बीच में और आचार्य आदरणीय ईश्वरानंद जी के सानिध्य में यह शिविर अटेंड करने का अवसर मिला। यह शिविर एक आस्था के ऊपर अडिग रहने का प्रयोग भी था। जब मैंने मुझे स्वीकृति प्राप्त हुई तो मैंने निश्चय कर लिया, आचार्य जी ने मुझे छूट दी थी कि आप यहाँ आके भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही पैसा जमा कर दिया। जब मैं आने लगा यहाँ, उसके एक दिन पूर्व मुझे 102 डिग्री सेल्सियस बुखार था, फारेनहाइट। तो घर में सबने विरोध किया कि नहीं, ऐसी स्थिति में आप नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं, अभी देखते हैं, शायद रात तक ठीक हो जाए। रात्रि में भी बुखार रहा, लेकिन प्रातःकाल में मुझे मेरी ट्रेन 5 बजे आना थी, तो 4 बजे का 3:30 बजे उठकर मैं तैयार हुआ और मैंने कहा मैं तो जाऊंगा ही, और आया यहाँ। आकर जिस दिन मैं आया 1 तारीख को, उस दिन मुझे रात्रि भर बुखार रहा। मैंने रात में निश्चय कर लिया कि शायद अब शिविर में रहना संभव नहीं हो पाएगा, मैं जाऊंगा। मैंने तैयारी भी कर ली, अरेंजमेंट व्हीकल वगैरह करा लिया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमात्मा की सहाय से और आचार्य जी के सहयोग से स्वस्थ हो गया और पूरे समय तक शिविर अटेंड करने में सफल होगा। मित्रों, परमात्मा की बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही कि मेरा जन्म आर्य समाजी परिवार में हुआ। वैदिक संस्कार मुझे बचपन से ही मिले और कुछ ऐसा ईश्वर का अनुग्रह रहा मेरे ऊपर कि मैंने अपनी सर्विस में भी, मैं 93 का IPS ऑफिसर हूँ, उस समय से ही मैंने निश्चय कर लिया था कि वैदिक धर्म तो चलेगा ही चलेगा, नौकरी चले या न चले, परंतु परमात्मा ने निभाया। बहुत सारी नादानियाँ हुई, गलतियाँ हुई, बहुत जिद की मैंने, परंतु इस रास्ते से कभी हटा नहीं। पूज्य स्वामी सत्पति जी महाराज का दर्शन मुझे 85 में हुआ था, जब वो एक कार्यक्रम में पधारे थे आमसेना। मैं बहुत प्रभावित हुआ, फिर उनकी पुस्तक मैंने बुलाई। उसके बाद शायद उन्होंने जो दूसरा संस्करण था योग दर्शन का, वो मेरे पास भेजा था, वो बृहद ब्रह्म मेधा वो भी उन्होंने भेजी थी मेरे पास। लगातार संपर्क में रहा। फिर 2008 में मैं दर्शन करने उनके गया था अहमदाबाद। परंतु ये जो क्रियात्मक योग अभ्यास का वहाँ शिविर का मैंने सुना था, पढ़ता था, वह एक अटेंड करने का अवसर मुझे मिला था मनाली में, जब हुआ था 85 में। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, परंतु अवकाश नहीं मिला, नहीं जा सका। फिर दूसरी बार 2015 में रोजड़ में शिविर लगा था, उसमें भी मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, पैसे जमा करवा दिए, परंतु अवकाश न मिले, से नहीं जा पाया। तो तीसरी बार इसको कैंसिल नहीं करना चाहता था मैंने, अब तो जो भी होगा मैं आऊँगा ही। ये शिविर मैं समझता हूँ कि मुझे एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह मानूंगा, क्योंकि जो सिद्धांत यहाँ बताए गए, मान्यता बताएंगे, लगभग सब मुझे स्मरण है, पता है, पर रिफ्रेशर होने की आवश्यकता होती है। बार बार हमारी स्मृति में जो चीज़ आती है तो उसमें हमारा निधिध्यासन हो जाता है, आस्था दृढ़ हो जाती है। और इसके लिए मैं आचार्य ईश्वरानंद जी का बहुत आभार और साधुवाद प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कुशलतापूर्वक और योग्यतापूर्वक इस शिविर का संचालन किया। विषय वस्तु बहुत अच्छी रखी, बहुत अच्छी तरह से विषयों का प्रतिपादन हुआ, और बहुत प्रसन्नता की बात है कि बड़ा हमारा ये मिला जुला शिविर रहा। सभी आयु वर्ग के भाई बहन इसमें शामिल हुए। मुझे प्रसन्नता भी, कल मैं राहुल से कह रहा था कि अब हमें युवाओं पर ही ज़्यादा विश्वास है। इस समय युवाओं को सही दिशा दिखाना बहुत आवश्यक है। मैं ऐसे विभाग में रहा हूँ जहाँ मैंने समाज की स्थिति को बहुत बारीकी से देखा। आपको आश्चर्य होगा कि 10 साल का बच्चा ड्रग्स लेता है, 10 साल का बच्चा। और मैंने सर्वे किया, रिसर्च की, तो पाया कि जो क्राइम होता है उसमें मैक्सिमम क्राइम, हीनियस क्राइम, नशे के कारण होता है। आपको बड़ा बहुत बहुचर्चित केस था निर्भया कांड दिल्ली का, आपको स्मरण होगा। उसमें 6 दरिंदे नशे में थे। मैं जब होशंगाबाद में SP था तो एक ऐसी वारदात हुई, तो मैंने पता किया कि अपराधी तो छोटे बच्चे, 14-15 साल के। तो मेरे थाना प्रभारी ने बताया कि साहब ये लोग ड्रग एडिक्ट हैं, मतलब ब्राउन शुगर लेते हैं। उस समय से मेरे मन में एक बात जागी
क्योंकि मैं पिछले 40 वर्षों से योग का अभ्यास कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके ऊपर योग का प्रयोग किया जाए। और मैंने योग के माध्यम से नशा मुक्ति का शिविर प्रारंभ किया, 1 माह का आवासीय शिविर, कोई पैसा नहीं लेता था, पुलिस लाइन में शिविर लगाता था। पहला शिविर आर्ट्स गुरुकुल होशंगाबाद में लगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता है बताते हुए कि बहुत सफल रहा। उसके बाद जहाँ जहाँ पोस्टेड में रहा वहाँ ये शिविर लगाए। यह इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि इस योग का प्रायोगिक उपयोग होना चाहिए, अन्यथा उसका बहुत लाभ नहीं हो पाएगा। जब हम योग का प्रायोगिक उपयोग करते हैं तो हमें परमात्मा की तरफ से सहायता मिलती है और मार्गदर्शन मिलता है। मुझे पता नहीं था, मेरे आई जी ने कहा कि भाई ये बताओ कि ये कभी हुआ है हिंदुस्तान में किसी ने किया? हमने सब नहीं किया, वो कोई ऐसा मैं मुझे मेरा उसको डिटेल भी नहीं। तो क्या क्यों करना चाहे तो हमने कि मुझे ऐसा लगता है कि योग एक ऐसी विधा है जिससे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। और नशा एक नशा और अपराध एक मानसिक बीमारी है, तो यदि हम योग का प्रयोग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कोई प्रमाण नहीं मेरे पास, उन्होंने कहा चलो एक मौका दे रहा हूँ उसके बाद मत जिद करना। मगर वो इतना अच्छा मौका था कि मुझे 3 महीने 4 महीने बाद दूसरा शिविर भी लगाना पड़ा। ये बहुत प्रसन्नता की बात है और इसके लिए आचार्य ईश्वरानंद जी को और दर्शन योग धर्मार्थ ट्रस्ट रोजड़ को के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस जिले में ध्यान कुंज आश्रम की स्थापना करने का निश्चय किया है। हम लोगों ने भूमि भी देखी आप लोगों के साथ में, बहुत अच्छा यह उनका प्रस्ताव है, हम सबको इसका सहयोग भी करना चाहिए। और ऐसे ऐसे ध्यान कुंज जैसे आश्रम जगह जगह स्थापित करने की आवश्यकता है, केवल एक स्थान से नहीं होगा, क्योंकि बुराइयाँ इतनी तेजी से फैल रही हैं और समाज में इतनी गहरी जड़ें अंधविश्वास पाखंड मिथ्यावाद इस प्रकार के फैल गए हैं कि इनसे मुकाबला करने के लिए हमको जगह जगह इस प्रकार के आयोजन करने की आवश्यकता है। और मैंने बहुत ही सूक्ष्मता से आचार्य श्री की कार्यशैली को देखा है, मैंने उनके समर्पण को देखा है, उनकी निष्ठा को देखा है। मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह ध्यान कुंज अपना आकार लेने में सफल होगा और हम सब 1 वर्ष या 2 वर्ष में जो अगले शिविरों में आएंगे वो ध्यान कुंज में शिविर होगा। मैं भी अपने स्तर पर और जिनसे मेरे संपर्क हैं उस स्तर पर भी इस ध्यान कुंज आश्रम की स्थापना में अपने सहयोग करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। बहुत ही कहना चाहिए सफल यह शिविर रहा, बहुत सारी चीज़ें थीं जो मैंने सीखी। मुख्य रूप से आपकी जो ध्यान कराने की पद्धति है शब्द अर्थ संबंध के माध्यम से बहुत अच्छी पद्धति है, यद्यपि मैंने अनेक मनुष्यों से इस विधा को सीखा है परंतु आपने बहुत अच्छी तरह इसको समझाया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सब लाभान्वित हुए और इस आश्रम के इस पूरी व्यवस्था से आप संतुष्ट रहे, इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को वैदिक वंदन प्रणाम, आचार्य जी को नमस्ते। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमशः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनायो नान्यपन्था विद्यते यनायो। मैं उदय आर्य, इंडियन ओवरसीज बैंक में सर्विस, अगले महीने दिसंबर 31 मेरे रिटायरमेंट डेट। मैं मोरबी आर्य समाज में कोषाध्यक्ष के रूप में और बरसों से कार्य करता हूँ और ये जो मंत्र अभी मैंने बोला वो पूज्य इनके गुरु और हमारे भी गुरु स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक जी, इनकी हमने 1992 से 1999 तक लगभग 9 वर्ष तक द्विमासिक प्रवचन माला आर्य समाज मोरबी में की है। तो उनका पूज्य विवेक जी का हमें बहुत लाभ मिला है, मोरबी की जनता को उन्होंने बहुत वैदिक जो मणि है, वैदिक चिंतन है, वो बहुत परोसा है और झंकृत किया है, हम उनके आभारी हैं।
महाभारत काल के अंदर जो हमारे विद्वान खत्म हो गए, उसके बाद सही वेद विद्या रही नहीं, क्योंकि विद्वान ही चले गए। तो उसके बाद अगर कोई ने वैदिक डंके की चोट पर काम किया है तो वो थे हमारे टंकारा के महर्षि दयानंद सरस्वती जी। महर्षि ने ऐसा अद्भुत काम किया कि वर्तमान और पिछले लगभग 1000 साल के विद्वानों और सन्यासियों की जो उनकी तपस्या और काम करने की शैली और ढंग को देखे तो महर्षि का काम अद्वितीय था, पहली श्रेणी में आने वाला कार्य। और उस कार्य को समझा स्वामी सत्यपति जी महाराज ने। तब तक आर्य समाज तो था, मगर आर्य समाज में प्राण नहीं थे। आज जो बहुत सी आर्य समाजों के अंदर चेतना जो आई है, उनका कारण है स्वामी सत्यपति जी ने ऐसे सितारे तैयार किए, ऐसी फौज तैयार कर दी। मेरा सौभाग्य है कि मैंने स्वामी सत्यपति जी को निकट से उनकी सेवा भी की है और स्वामी सत्यपति जी का अध्यात्म मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हुआ है। उनके बाद उनकी पहली बैच के 4 सितारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी, दूसरे स्वामी विवेकानंद जी, ये दोनों को तो हम बहुत से जानते हैं, क्योंकि आचार्य ज्ञानेश्वर जी ज्ञान के अगाध सागर थे और एक रोशनी, सूर्य की रोशनी के चमकते सितारे की तरह थे, और ईश्वर की ऐसी व्यवस्था बनी कि उनको ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। मगर विवेक जी अभी भी हमारे पास है, और दो उनके साथ जो पहली बैच के जो शिष्य थे स्वामी सत्यपति जी के, वो मुझे जहाँ तक स्मृति है एक दिल्ली में स्थायी हुए थे, आचार्य अर्जुन देव जी, बराबर, हाँ अर्जुन देव जी वर्णी, और चौथे जो थे वो कच्छ में आचार्य वीरेंद्र जी, योगधाम करके वहाँ पे बनाया था, मगर उनका भी देहावसान हो गया। तो अभी अर्जुन देव चले गए, हाँ ऐसा सुनने में आया। तो ये जो गैप था महाभारत काल से, जो वैदिक विद्या का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था, महर्षि दयानंद ने जगाया। महर्षि दयानंद के बाद अगर कोई हस्ती आई तो स्वामी सत्यपति जी के रूप में आर्य जगत को मिला। और फिर तो जैसे स्वामी सत्यपति जी ने ऐसे ब्रह्मचारियों की जैसे बाढ़ लगा दी, उनका सपना था स्वामी सत्यपति जी का कि भारत के कोने कोने में मेरे ब्रह्मचारी बैठा हो। जगह तो बहुत पड़ी है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, जगह बहुत पड़ी है, और आज हमें ये मोती के रूप में मिले हैं। ये दोनों हमारे महासागर के मोती जैसे हैं। इनको हमें, हम संसारियों की, हम गृहस्थियों की वो ड्यूटी बन जाती है जो हम संसार में रह के पैसे अर्जित कर रहे हैं, कि इनको हम आश्वस्त कर दे कि आपको ध्यान कुंज की जो वस्तु है, जो आश्रम है, वो खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बराबर। ये आश्वस्त करने की हमारी जिम्मेदारी है। सभी लोग अपना अपना फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी वो ध्यान आश्रम को एकदम से बढ़ाए, क्योंकि उसी में से ऐसे विरल व्यक्तित्व तैयार होएंगे आगे भारत की पीढ़ी को, सब इन सब की जरूरत है। मार्गदर्शन सही कहाँ पे मिलेगा, तो कि दर्शन योग महाविद्यालय में से निकले हुए ब्रह्मचारी ही मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो मेरी मैं तो इन लोगों के साथ 1986-85 से शुरुआत से ही जुड़ा हूँ दर्शन योग महाविद्यालय से। इनके साथ में एक आचार्य जी है दिनेश जी और मैं सामने शिविर के हॉल में बैठे रहते थे, मगर दिनेश जी का विवाह नहीं हुआ था तो वो उनमें आ गए और मेरा हो गया था, इसलिए मैं इसमें नहीं आ पाया, ये चीज़ रही। बाकी भावनात्मक रूप से मैं इतना जुड़ गया हूँ कि इनके सिवा सच्ची संस्थाएं कहीं पर है ही नहीं। सच बात बताऊं तो जितने भी मत पंथ संप्रदाय चकाचौंध भौतिकवाद जो भी आप देखो, अपने आर्य समाज की भी
और मतों की भी, चकाचौंध जहाँ है मगर विद्वता के नाम पे कुछ भी नहीं है, आपको ठग लिया जाता है, ये सही बात है। तो आप है ना हंस की तरह बन के पानी को पानी और दूध को दूध करके इन लोगों का खूब सहयोग करें, यही मेरी प्रार्थना। आचार्य जी को सादर प्रणाम और सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। मेरा नाम कृष्णलाल मंधान, धुलिया निवासी महाराष्ट्र का, और हम बचपन से ही आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और हमारे धुलिया में भी बहुत अच्छा आर्य समाज मंदिर है। वहाँ सप्ताह में एक बार हवन यज्ञ वगैरह सब होता है, समझा क्या। हमारे को जो यहाँ आके हमारी अज्ञानता दूर हुई है, हम आचार्य जी के शुक्रगुजार हैं, समझा क्या। और दूसरी बात, हम परमात्मा से ये विनंती करेंगे, आचार्य जी की आयु 100 साल के ऊपर की हो और वो हमको इसी तरह ज्ञान से और हमारी समाज को और हमारे हिंदू समाज को ज्ञान देते रहें। और ये जो इन्होंने ध्यान कुंज का बनाने का बीड़ा उठाया है, भगवान उनको शक्ति देवे और हमारे से भी जितना हो सकेगा हम आपको सहयोग जरूर करेंगे। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी को विशेष रूप से आभार प्रकट। मैं प्रवीण कुमार रोहतक हरियाणा से हूँ। मुझे इस शिविर में आके जो सबसे योग साधना, जैसे स्वामी जी का शीर्षक था विवेक वैराग्य योग साधना, तो स्वामी जी ने जो योग साधना यहाँ पे शुरू करवाई उसमें मुझे सबसे पहले हल्की विवेक की जो जागृति हुई, जब हमें विवेक की जागृति का पता चला तो उसे हमें सत्य का ज्ञान होने शुरू हुआ, सत्य और असत्य में भेद करने का प्रयास करने लगे। और इस सत्य असत्य के भेद के द्वारा हमारी जो श्रद्धा थी ईश्वर के प्रति वो पहले भी थी, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाता है उसे जो हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है वो प्रबल होती जाती है। तो ऐसा मैंने अनुभव किया कि मेरी जो श्रद्धा है वो यहाँ पर प्रबल हुई है। और ये जो श्रद्धा प्रबल हुई इसको हमें अनवरत, ये एक ऐसी क्रिया है जो अनंत काल तक चलने वाली है। अभी तक हमने जो जीवन जिया उसमें जो हमने कर्म किए, कुछ अच्छे हुए कुछ बुरे हुए, और हम शायद इतने अच्छी तरीके से अब तक परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हो पाए। अगर होते तो शायद कहीं और होते और अच्छी तरीके से साधना कर रहे होते, ये तो इसका प्रमाण हमें निश्चित रूप से देखने में मिलता ही है। तो मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि हम इस ज्ञान को यहाँ से लेके जाएं और अपने नित्य आचरण में परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से उसका प्रयोग करें, जिससे हम परमात्मा की ओर जल्दी से जल्दी अग्रसर हों। और मुझे यहाँ स्वामी जी के शिविर में विशेष रूप से जो अच्छी बात लगी वो लयबद्ध श्लोकों का गायन, क्योंकि अगर आप वैसे श्लोकों को याद करने लगोगे तो आपको श्लोक शायद या मंत्र इतनी जल्दी याद नहीं होंगे, लेकिन आपको लयबद्ध तरीके से जल्दी वो आचरण में आपके आएंगे और आपको याद भी होंगे। फिर स्वामी जी ने श्लोक गायन के साथ साथ उनका सरल रूप से अर्थ हमें करना सिखाया और अर्थ के साथ भावार्थ, क्योंकि जो मंत्र होता है उसमें हम उपासना भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं और उसके साथ साथ उसमें प्रार्थना भी होती है। तो जब उपासना हमें करनी है प्रभु जी की तो वो कैसे करनी है, और जब उसका हम भावार्थ बदल के हम उसमें प्रभु जी की प्रार्थना कैसे करते हैं, ये स्वामी जी ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया इसमें। और इसके अलावा हम जब ध्यान में बैठते हैं तो स्वामी जी ने भिन्न भिन्न मंत्रों के द्वारा हमें ध्यान करना सिखाया। वैसे मुझे इस विधि का सबसे पहले रोहतक जो सुंदरपुर गुरुकुल है, स्वामी विवेकानंद परिवार जी जहाँ रहते हैं, मुझे वहाँ से इसका ज्ञान मिला था और यहाँ आके स्वामी जी ने उसकी अच्छे से पुष्टि की, जो व्यवहार में अब नित्य प्रति मैं उसको कोशिश करूँगा लेके आने की। मुझे अध्यात्म के इस शिविर से वैराग्य की ओर प्रथम सीढ़ी प्राप्त हो रही है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, और यह प्राप्ति तक चलने वाली क्रिया है। ऐसे आचार्य जनों का ज्ञान रूप में आशीर्वाद प्रभु कृपा से ज़्यादा लक्ष्य प्राप्ति तक लेने की कोशिश करूँगा। सभी का विशेष रूप से धन्यवाद। जिन साथियों ने यहाँ व्यवस्था को बनाए रखा उनका विशेष रूप से धन्यवाद। आचार्य जी का पुनः धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। श्रद्धेय आचार्य जी को नमस्कार। वैराग्य शिविर में सभी ने सबका परिचय दिया कि ऐसा हुआ, योगा अच्छा हुआ, ध्यान योग, ब्रह्म योग, देव यज्ञ, स्वाध्याय बहुत अच्छा लगा सभी को। मेरे को भी ऐसा ही अच्छा लगा है। लेकिन और एक बहन जी ने भी कल बताया था कि 5 दिन का गुरुकुल
और अनुभव बहुत अच्छा रहा। और आगे भी दूसरे भाई ने बताया कि गुरु ऐसा गुरुकुल होना चाहिए, ठीक है। तो एक गुरुकुल के लिए एक मास का गुरुकुल होगा, दो मास का आजीवन गुरुकुल बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा ना, सभी को अच्छी तरह से मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, ज्ञान देने वाला गुरुकुल, गुरुकुल बनाने बनाने वाला बना अच्छा बनेगा, तो हम सब मिलकर जल्दी से मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए गुरुकुल बनाए और अच्छे वानप्रस्थ साधक आश्रम सत्र बनाना चाहिए, तो वही इसका परिणाम अच्छा रहेगा और अच्छा मिलेगा। आजकल आपको मालूम है कि सब आचार्य आईजी साहब ने भी बताया छोटे छोटे बच्चों कैसे कर रहे हैं, आसुरी वृत्ति बढ़ रही है आज, भोगवाद जड़वाद और आसुरी वृत्ति, आसुरी वृत्ति बढ़ रही है, पूरा परिवार में आ गई है, हमारे जीवन में आ गए है, इसीलिए तो हम छूट नहीं पाते, हम छूट नहीं पाते, इसी तरह अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर सकते, अच्छा सात्विक काम में जी नहीं सकते, तो क्या करेंगे। तो ऐसा गुरुकुल बनना चाहिए और इसका इसमें वेद शास्त्र का ज्ञानी ज्ञानी आचार्य चाहिए, वो हमको मिला है, तो हम ऐसे आचार्य जी का लाभ लेवे और आगे बढ़े, और ऐसा हमको हम भगवान को भी प्रार्थना करते हैं, आप सभी को भी प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात, आपको हमको आपको जानते होंगे कि रोजड़ में एक थोड़े के गुरु कोरोना वक्त में ये गुरुकुल के हिसाब से कोई कार्यक्रम रखा था, वो आचार्य देवजी जी आए थे, तो आचार्य देवराजी ने बात रखी उसकी हाजिरी में, तो लगभग 3-4 घंटे में, 4-5 घंटे में तो 3-4 करोड़ रुपये हो गए थे। ले आज समाज में पैसों की कमी नहीं है, कमी किसकी है, वेद विचार की कमी है, वेद पद्धति की कमी है, अच्छी तरह से सच्चा विचार देने वाला की कमी है। तो आज अच्छे आचार्य जी मिले हैं, तो हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो सबको चाहिए भगवान का ज्ञान, अच्छी तरह से सब गुण कर का स्वभाव जीवन में स्थिर होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। बस इतना करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ और एक भगवान को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते जी, मैं मोरबी से ठाकुर सिपाही पटेल आया हूँ। मैं जो इधर शिविर आया हूँ, फर्स्ट शिविर है मेरी, और जो उदय भाई और विजय भाई हमारे मोरबी के हैं उसके बदौलत मैं इधर आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका मैं वर्णन अपनी भाषा में नहीं कर सकता, इतना मुझे आनंद हुआ। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ आचार्य जी कि मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ, चाय बिना मुझे चलता नहीं है। सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, लेकिन पहले चाय मैं अपने हाथों से बना लेता हूँ। फिर इधर 5 दिन हुआ, मुझे कसम से मैंने याद भी नहीं है कि चाय पी है, और इस ये शिविर के बदौलत है, वरना मैं नहीं रह सकता। बस धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते, मैं विजय रावल, मोरबी गुजरात से। रोजर तो बहुत हम जाते आते रहते हैं, तो बहुत परिचित है। इस शिविर में पूज्य आचार्य ईश्वरानंद जी ने जैसे वन मैन शो कह सकते हैं, अधिकतर शिविर में बहुत सारे आचार्य जी स्वामी जी रहते हैं, अलग अलग सत्र रहते हैं, ऐसा अनुभव रहा था। लेकिन इस बार पूरे का पूरे शिविर का संचालन इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। उनका गीत संगीत, उनका व्यवस्था शक्ति, टेक्नोलॉजी की जानकारी मुझे पहली बार पता चला, बहुत अच्छा लगा है। भोजन और आवास की व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है, वातावरण भी नर्मदा का किनारा है तो बहुत अच्छा रहा, और ये शिविर यादगार रहेगा, बार बार जुड़ते रहेंगे। नमस्ते जी। मैं सौसाणी गुदर भाई मुसी भाई, मोरबी गुजरात से आया हूँ। मेरी शिविर ये दूसरी है। शिविर में कई तरह मैं गया हूँ, और मेरी गुजराती में पकड़ है, हिंदी में कम पकड़ है, इसीलिए उधर होता हो तो मेरे को माफ़ कर देना। शिविर में कई तरह से मेरे को अच्छा अच्छा ज्ञान लेने की बहुत झंखना थी, तो इस शिविर में मैंने आचार्य जी से ज्ञान ईश्वर प्राप्ति के बारे में बहुत ही गहरा ज्ञान उसके पास से मेरे मिला है, और एक ज्ञान मेरे जीवन में अवश्य मैं गायत्री मंत्र के अच्छी तरह उसके जोर जोर तक एक एक शिविरार्थी के जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। मैं भी इसी प्रेरणा लेता हूँ कि मैं गायत्री मंत्र अच्छी तरह पढ़कर, और दूसरा भी ईश्वर प्राप्ति के बारे में उसने
हमने बहुत ही मंत्र सिखाया है, वही हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। और ईश्वर के गुण का हम ज्ञान और गुण को हमें अनुशासन में लेकर हमारे जीवन में उतारेंगे। और हमें यही प्रेरणा संकल्पना लेता हूँ कि मैं भी यही ईश्वर प्राप्ति के बारे में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा गुण प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। इति ओम सर। मेरा नाम निर्मल ब्रजमोहन मूलचंद है, मैं जामनगर से हूँ और आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा 100% डेडिकेशन ध्यान कुंज के लिए होगा, ये मेरा वादा है।